अगर कोई M416 गन से आप पर फायरिंग करता है तो क्या ये बुलेट प्रूफ जैकेट आपको बचा पाएगी? चलिए 3D एनिमेशन से देखते हैं। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के आउटर कवरिंग को हटा दूं तो इसके अंदर चार लेयर्स होती हैं। सबसे आगे सिरेमिक लेयर, फिर एरामिड फाइबर्स लेयर, फिर वर्टेक्स लेयर और लास्ट में ये पॉलीएथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट सिरेमिक लेयर की सिरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी और बुलेट की शेप कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। उसके बाद बुलेट इस एरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत एक टाइटली वीव्ड फैब्रिक है। बुलेट के कांटेक्ट में आने से यह इस तरीके से पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, बस इस फाइबर लेयर का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि और ज्यादा टाइट रहता है। आगे बढ़ते हुए यह हाई टेम्परेचर बुलेट जब इस टाइट केमिकल बॉन्ड वाली पॉलीएथिलीन लेयर के कांटेक्ट में आएगी, तो इस पॉलीएथिलीन का कांटेक्ट पार्ट पिघल जाएगा और इस बुलेट को ऐसे जकड़ लेगा।